आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री फर्स्ट का सम बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक टेम्परेचर। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जो गर्म होने या ठंडा होने पर हमें आभास कराती है कि वह वस्तु गर्म है या ठंडी है, वो ताप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट अथवा ठंडेपन का बोध कराती है। ताप को मापने की तीन सामान्य स्केल हैं। पहला हमारा होता है सेल्सियस, दूसरा हमारा होता है फारेनहाइट एंड तीसरा हमारा होता है केल्विन। तो हम सबसे पहले हम करते हैं बात सेल्सियस की, यानी सेंटीग्रेड स्केल। इस पैमाने को स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने सन 1742 में प्रचारित किया था। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस माना गया तथा इसके अंतर को 100 मतलब 100 समान भागों में बांटा गया। थैंक यू।